बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं, तो आज मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जिसके बारे में फैमिलियर नहीं होंगे और उनके पास ये नॉलेज नहीं होगा। और ऐसा जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि हमारे बहुत सारे जो तलबा व तालबात हैं, जब वो जॉब के हवाले से या कहीं भी टेस्ट हेल्ड होता है तो उस सिलसिले में वो जाते हैं तो उनके पास नॉलेज नहीं होता और वो टेस्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरी ये जो वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आज हमारे पास है, लार्जेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर पाए जाने वाली बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस या बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो वीडियो है आपके लिए बड़ी ही मुफीद साबित होगी। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है लार्जेस्ट एयरपोर्ट। यानी अगर हम बात करें लार्जेस्ट एयरपोर्ट की कि दुनिया में सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फेलो, वो हमारे पास है किंग खालिद एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास लार्जेस्ट डैम की हम बात करते हैं। लार्जेस्ट डैम कहां पे है, ये है ग्रैंड कॉली डैम है और ये यूएसए में मौजूद है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर ये पाया जाता है और ये डैम जो है ये बेसिकली लार्जेस्ट डैम है दुनिया का। इसके बाद हमारे पास लार्जेस्ट मॉस्क, यानी मस्जिदें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे, अभी यंग मुस्लिम हमने बहुत सारी मस्जिदें देखी हैं और हमारे अपने मोहल्ले में भी होती है, शहरों में भी होती हैं, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद की। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो लार्जेस्ट मॉस्क जामिया मस्जिद है, जिसका नाम जामिया मस्जिद है और ये दिल्ली में मौजूद है। इसके बाद लार्जेस्ट बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये बुर्ज खलीफा है, बेसिकली हर बंदा फैमिलियर है और सब लोग जानते हैं कि ये दुबई में मौजूद है। इसके बाद लार्जेस्ट होटल, यानी दुनिया में सबसे बड़ा होटल जो है वो कहां पे है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि जो लार्जेस्ट होटल है वो होटल रोजिया है और ये मॉस्को के अंदर मौजूद है। मॉस्को एक कंट्री है, वहां पे ये होटल जो है मौजूद है। इसके बाद लार्जेस्ट पैलेस, यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा महल है वो कहां पे है, तो दोस्तों वो है इंपीरियल पैलेस और ये चाइना में मौजूद है। तो देखें चाइना ने कितनी एडवांसमेंट की है, कितनी तरक्की की है कि सबसे बड़ा दुनिया का जो पैलेस है वो भी चाइना ने बना डाला है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट स्टेडियम, ये है स्टार हू स्टेडियम का नाम है और ये बेसिकली पैरागोए में है। पैरागोए एक कंट्री है और पैरागोए के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है जिसको हम खेल का मैदान कहते हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो खेल का मैदान है वो पैरागोए में है और ये लार्जेस्ट स्टेडियम जो है इसका नाम है स्टार हू। इसके बाद म्यूजियम, यानी जो अजायब घर है दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों अजायब घर जो है वो अमेरिकन म्यूजियम है और ये नेचुरल हिस्ट्री, यानी ये ऐसा म्यूजियम है जहां नेचुरल हिस्ट्री आपको मिलेगी, यानी फितरती चीजों के बारे में आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको फितरत का हुसन दिखाएंगी। इसके बाद सबसे जो दुनिया का लार्जेस्ट पार्क है, तो दोस्तों लार्जेस्ट पार्क जो है दुनिया का वो है वुड बफलो नेशनल पार्क जो कि कैनेडा में मौजूद है। वुड बफलो पार्क कनाडा के अंदर ये मौजूद है। और इसके बाद हमारे पास है लार्जेस्ट मीनार, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मीनार ये कहां पे है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मीनार है वो दोस्तों हमारे पास, हम अगर देखते हैं हसन मास्क है इजिप्ट के अंदर, यानी मिस्र के अंदर हसन मास्क के अंदर ये सबसे बड़ा जो मीनार है ये दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है। तो उम्मीद करता हूं कि आज वाली जो ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको दोस्तों मिलती रहें। शुक्रिया।